हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम आई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। बहुत दिनों से बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो बनाइए और दिखाइए कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या है। बहुत लोग वीडियो के अंदर कमेंट करते थे, तो आज थोड़ा सा हमें टाइम मिला है और सोचा हूँ कि पूरा इंस्टीट्यूट आपको दिखा दूँ कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और जब बाहर की अगर बात किया जाएगा ना, तो देखेंगे तो हमारा बाहर ठीक जो आपका मेन रोड होता है ना, जो कि इधर से आप देखेंगे लगभग मऊ, तो इधर से आपका मऊ के लिए आ सकते हैं और इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और फिर फ्रंट की अगर बात किया जाए तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का है जहाँ पर आप बोर्ड वगैरह लगा है। दो मंजिला अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मतलब इसके अंदर हॉस्टल वगैरह जो भी व्यवस्था है सारा होता है। और देखें गेट पर भी यानी रोड पे भी आप देखेंगे तो हमारा पोस्टर लगा हुआ है, देखिए एम आई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। यहाँ पर हमारा हॉस्टल होता है इस साइड में, हॉस्टल में भी हम लेकर चलेंगे आपको। पहले आप देख रहे हैं कि हमारा सामने का इंस्टीट्यूट है, देखिए ऊपर से लेकर के आपको दिखाई दे रहा है, नीचे तक बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। और जब आगे आप आएंगे ना, तो आपका ये रिसेप्शन काउंटर मिल जाएगा हमारा, देख रहे हैं ना, और सब कुछ यहाँ पर फॉर्म वगैरह इसी जगह भराया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अंदर की साइड में आप चलेंगे, चलिए अंदर हम चलते हैं, तो आप देखिए इधर हॉस्टल के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रख दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लड़के आते हैं उनके लिए गद्दा वगैरह यहाँ पर है, सिलेंडर एक्स्ट्रा भर के हम रखते हैं, देखिए कि अगर कोई रात में खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चूल्हा जो है यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो हर एक सामान हम एक्स्ट्रा रखें कि कभी भी रात में अगर किसी को कुछ भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत हम अवेलेबल करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर चटाई वगैरह जब देखेंगे ना, तो सब कुछ एक्स्ट्रा में रखा गया है, तो जिनको जो जरूरत रहेगी तुरंत मिल जाएगा। देखेंगे ना, तो हम मेन चीज बता दें कि फायर का भी हम लोगों ने सिस्टम रखा है, देख रहे हैं ना, अभी हमारा क्या है फायर का सिस्टम यहाँ पर लग गया है, तो पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप आएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऐसे ही सारी व्यवस्था है, हर जगह फायर वाले सिलेंडर भी हमने यहाँ पर लगा के रखा है कि कभी भी अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इससे आप आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए सारे सामान है, मैनिफोल्ड वाल्व है, देख रहे हैं ना कि यहाँ पर मैनिफोल्ड वाल्व है, प्रेशर गेज है, और यहाँ पर हीटर है, जितने भी चीज होती है ना एसी फ्रिज के अंदर जो भी सामान लगती है सबका प्रैक्टिकल का यहाँ पर पूरा सामान रखा गया है। यहाँ से लेकर के जो लड़के होते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, और हमारा प्रैक्टिकल हॉल है, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या प्रैक्टिकल हॉल है। इसके अंदर आप देखेंगे हमारा डीप फ्रीजर है, देखिए डीप फ्रीजर का जो हमने कहा था प्रैक्टिकल करवाते हैं। और इसके बाद देखिए आरओ है, देख रहे हैं प्लांट आरओ के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए हमारी ये जो फ्रिज है इन्वर्टर टाइप सिंगल डोर की फ्रिज है, देख रहे हैं ना, इन्वर्टर टाइप सिंगल डोर की फ्रिज है, ये आपका नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी नॉन इन्वर्टर फ्रिज, यानी ये सारी फ्रिजें हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका डबल डोर फ्रिज है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारी क्या है डबल डोर फ्रिज है, बिल्कुल न्यू फ्रिज है जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं और 100% प्रैक्टिकल देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है पीसीबी से जो वर्क हो रहे हैं सब मशीनों को हमने यहाँ पर रखा है, देखिए देख रहे ना। और इसके बाद ये भी है, सभी हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है। और यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टर एसी है, देख रहे ना, जिसका इन्वर्टर एसी का भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो यहाँ पर देखें इन्वर्टर एसी लिखा हुआ है, देख रहे ना। और इसका एक तो इंडोर है, और नीचे देखेंगे तो इसका आउटडोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखे। और यहाँ पर देखिए रूम कूलर है, यहाँ पर क्या है रूम कूलर है जिसका भी प्रैक्टिकल होता है। और यहाँ हमारी विंडो एसी है, यहाँ पर देखिए विंडो एसी बिल्कुल न्यू एसी, ऐसा नहीं कुछ भी कबाड़ा की तरह ऐसा रखा गया है, बिल्कुल नई एसी के अंदर ऐसा प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। और देखिए अगले बैच के जो लड़के हैं ना पढ़ करके गए हैं कि ऑपरेटर को कैसे चेंज किया जाता है, तो वही निकाल कर गए प्रैक्टिकल करते वक्त। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसका भी प्रैक्टिकल होता है। नीचे आप देख रहे हैं कि हमारा गीजर है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल न्यू गीजर है। और इसके बाद देखिए कि एसी का जो स्प्लिट एसी होती है उसका सब आउटडोर यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके बाद ये भी हमारा गीजर आपको दिखाई देगा। और नीचे देखेंगे तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, देख रहे हैं ना, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो मशीन आती है, तो हमने अभी आपको दिखाया कि एक हमारा होता है कौन सा टॉप लोड होती है, और दूसरा हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमारे आरओ हैं, जो आरओ का भी प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पर आरओ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और नीचे देखेंगे तो सब सामान वगैरह जेट पंप वगैरह जो एसी की सर्विस कैसे किया जाता है, कैसे धुला जाता है, तो उनके लिए सारे सामान की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बोर्ड वगैरह, यानी जब हाउस वायरिंग जब हम करेंगे तो उसके लिए बोर्ड वगैरह का भी यहाँ पर व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए कि जो बच्चे अगले जो बैच का था ना उसके लिए इतने सारे वायरों को एंडिंग जब किए हैं तो इतने सारे वायर निकाल करके गए हैं, और फिर नेक्स्ट लड़के आएंगे तो भी इतना वायर निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सब बल्ब वगैरह जो भी सामान है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं चेंजर वगैरह जो हाउस वायरिंग के अंदर जो भी सामान लगती है जिसका 100% प्रैक्टिकल करवाया जाता है, सब सामान आपको अवेलेबल दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं अपने क्लासरूम में।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लासरूम है, ठीक है। और क्लासरूम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेस्क बेंच मिल जाएगा, और यहाँ पर एसी का जो स्प्लिट एसी हो प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि किस प्रकार से इसके अंदर हम गैस को भरते हैं, सब कुछ सिस्टम से यहाँ पर देखिए लगाया गया है। और इसी के अंदर लड़के हमारे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, और इसके बाद हमारा व्हाइट बोर्ड है जहां पर हम थ्योरी की क्लास चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कई प्रकार के एसियां हैं, देख रहे हैं ना, हमारे पास कई प्रकार के एसियां हैं। और सारे प्रकार के एसियों के अंदर हम बताते हैं कि यहाँ किस प्रकार से इंडोर आउटडोर को खोला जाएगा। तो देख रहे ना, कोई ऐसा नहीं कि एक ही एसी है और उसको खोल कर हम आपको बता दें यहाँ ऐसे ही सारा होता है। तो कई प्रकार के एसियों में आप आएंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे ब्लू स्टार का यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए फायर की व्यवस्था है, देख रहे ना, यहाँ पर भी फायर की व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी सैमसंग का एसी है, देख रहे ना, किसकी है, सैमसंग की एसी है। तो हमारे पास कई प्रकार की एसियां होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आप देखें कि हमारा ये सब इंस्टीट्यूट का लोकेशन होता है। कई लोगों ने हमसे कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो बनाइए, पता नहीं सामान आपके पास है कि नहीं है, तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना दे, ठीक है ना। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और हॉस्टल सुविधा भी थोड़ा सा मैं इसके अंदर बाहर से दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा थोड़ा सा हॉस्टल का सुविधा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमारा थोड़ा वर्क भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे रेत वगैरह सब रखा हुआ है, और यहाँ पर जो गेट वगैरह आप देख रहे हैं ना, सब हमारा हॉस्टल है। और इधर आप देखेंगे तो इधर हमारा इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और इधर ठीक बगल में हमारा हॉस्टल है। यानी 10 कदम आप जाएंगे तो सीधे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और 10 कदम चलेंगे तो सीधे हॉस्टल के अंदर जाएंगे, समझ रहे ना। तो हॉस्टल भी हमारा दूर नहीं है, तो आप आना चाहते हैं तो निश्चिंत आ सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।